तो एक बार स्वीडन में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। ब्राह्मण मीन्स फर्स्ट क्लास, वैश्य मीन्स, क्षत्रिय मीन्स सेकंड क्लास, वैश्य मीन्स थर्ड क्लास, शूद्र मीन्स फोर्थ क्लास। तो एक लड़का उधर सुन रहा था, बहुत सुन रहे थे लोग। एक लड़का को ये अच्छा नहीं लगा, तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि स्वामी जी, इसका अर्थ आप फर्स्ट क्लास है और बाकी सब फोर्थ क्लास है, और इसलिए ये लोग आपको पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, फूल हार पहना रहे। तो प्रभुपाद जब वे सुनते हैं, प्रभुपाद जी शांत हो जाते हैं। और उनके पास प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो बोलते मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, उसको मारने के लिए इच्छा हो रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाए। प्रभुपाद जी थोड़ा शांत हो गए, सर झुका दिए और बोले, नो, आई एम नॉट फर्स्ट क्लास, आई एम फिफ्थ क्लास, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट। इस प्रकार प्रभुपाद जी बोले। और उस समय प्रभुपाद जो बोल रहे थे, उनके आँख से आंसू निकल रहे थे। तो कहने का अर्थ है कि ये जनरली साधु का क्वालिटी। तो साधु वहाँ पर वो लड़के नहीं बोल रहे, तुझे पता है नहीं क्या मैं कौन हूँ, ओके ना, डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ क्लास। तो ये जनरली साधु का क्वालिटी। तो साधु को भगवान जैसे सत्कार देना चाहिए, क्योंकि साधु अपने आप को क्या मानता है, एक साधारण तुच्छ सेवक मानता है। वो जनरल के असली में साधु है। उसका विजन क्या है, समस्त व्यक्ति को भगवान के पास पहुंचाना है। और उसका विचार क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं सबसे नीच हूँ, तुच्छ हूँ और सबका सेवक हूँ, सबका मालिक नहीं हूँ। दैट इज द पॉइंट हियर, यू कैन अंडरस्टैंड।